हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो यूनिट चल रहा था थर्ड यूनिट, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तो कल हमने बेटा आपको बताया जनसंख्या किसे कहते हैं, फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। किसी निश्चित भूभाग में बसे हुए लोगों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या कहलाती है। किसी निश्चित भूभाग में, जैसे निश्चित भूभाग हो गया अफ्रीका महाद्वीप में, ये जो महाद्वीप है पूरा, इस महाद्वीप में बसे हुए जो लोगों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या। अब जनसंख्या में बेटा आपके स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। अब अगला जो पॉइंट था हमारा था जनसंख्या वितरण। तो कल हमने बेटा आपको बताया जो जनसंख्या वितरण है वो जो है समान नहीं है। विश्व में जो जनसंख्या का जो फैलाव है या लोगों की जो बसावट है वो इक्वल नहीं है, समान नहीं है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया आपको, अब उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में विश्व के लगभग जो है 85% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार यदि हम देखें विश्व के लगभग 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर मात्र विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार इसका उल्टा कर लो आप, विश्व के 10% भूभाग पर विश्व कितने % जनसंख्या निवास करती है, 90% जो जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार बेटा अगला जो उदाहरण था वो कह रहा है, अगला उदाहरण में ये, अब जो है विश्व की जो 2/3 जो आबादी है जो है उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। विश्व की 2/3 आबादी जो है विश्व के मात्र 14% भाग पर ही निवास। ये तो बेटा इसके कुछ थे उदाहरण। इससे उदाहरण से हमने ये समझ में आया अब जो जनसंख्या की जो बसावट है वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो इसी के आधार पर जो है विश्व जनसंख्या को, महासंघों को जो है बेटा 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। तो पहले हम देखेंगे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, तो देखिए बेटा सघन जनसंख्या था यानी हम प्रति एक किलोमीटर या प्रति इकाई 200 से ज्यादा व्यक्ति जहां रहते हैं। जनसंख्या घनत्व मैंने पहले बताया था, अब प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या यानी एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो कह रहा है सघन यानी आबाद जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी जहां पर प्रति इकाई 200 व्यक्ति रहते हैं, एक किलोमीटर के लिए कितने लोग रहते हैं 200, तो वे क्षेत्र विश्व में कौन कौन से हैं। तो देखिए आप आ जाइए वो ऐसे जो क्षेत्र विश्व में, पहले आप आ जाइए एशिया जो महाद्वीप में, आप आ जाइए अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या 200 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। तो पहले बेटा आप आ जाइए पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया में चीन आ गया, हांगकांग आ गया, दक्षिण कोरिया आ गया, जापान आ गए थे बेटा, ठीक है, ताइवान आ गया, दक्षिण चीन महासागर, इन क्षेत्रों में जो है सघन जनसंख्या पाई जाती। इसी प्रकार आप पूर्वी इसमें सॉरी बेटा दक्षिण एशिया में आ जाइए, ये दक्षिण एशिया हो गया, तो दक्षिण एशिया में भारत हो गया मुख्य रूप से, बांग्लादेश हो गया इधर, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये ऐसे देश है। तो दक्षिण एशिया में आपका इंडोनेशिया हो गया, किस में आते हैं दक्षिणी एशिया में आते हैं। अर्थात यदि एशिया की हम बात करें तो दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया, हम आपको पहले बता चुके हैं कि दक्षिण एशिया के कौन से देश है और पूर्वी एशिया के कौन से देश है। तो बेटा ये तो हो गया पूर्वी एशिया, भाई इसमें बता चीन आपका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, यूथन कोरिया हो गया, ठीक है, ये आपका जापान हो गया, यहाँ ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, तो ये तो पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर नेपाल, की ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है
आप आ जाइए यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है आपका, इसके अलावा आपका जर्मनी है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, ये ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ध्यान रहे पश्चिमी यूरोप, ये तो बेटा पूर्वी यूरोप हो गया, ये दक्षिणी यूरोप और ये उत्तरी यूरोप, ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। तो यहां पर जो है जनसंख्या पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या जो है हमें अधिक देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप उत्तरी अमेरिका में आ जाए तो उत्तरी अमेरिका कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है उत्तरी अमेरिका कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में बेटा देखिए उत्तर पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, उत्तर पूर्वी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ये तो देखो ये तो कनाडा हो गया, ठीक है, कि कनाडा ये यूएसए, ये कनाडा देश हो गया, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ये मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका में हम देखें तो कनाडा के दक्षिणी और पूर्वी भाग, इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर और पूर्वी भाग, उत्तरी भाग और पूर्वी भाग में जनसंख्या ज्यादा है। इसी प्रकार मैक्सिको, तो मैक्सिको देश से तटीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और खास तौर से उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या किनारों पर कब बढ़ी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात 1789 में जो औद्योगिक क्रांति आई उसके पश्चात जो है जनसंख्या में तेजी से देखने को मिली। तो ये तो है बेटा सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, अर्थात ऐसे प्रदेश जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, सघन पाई जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा बेटा आएगा सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश ऐसे प्रदेश है बेटा जहां भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती हैं, यानी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मनुष्य की बसावट के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां जो है प्रदान करती है। इसके अलावा मनुष्य ने उन परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को रहने लायक बनाया है, यानी कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां ऐसी थी जो मानव बसावट के लिए अनुकूल नहीं थी, फिर भी मनुष्य ने अपनी तकनीक से, अपने ज्ञान से, अपने टेक्नोलॉजी से अपने आप को जो है इन परिस्थितियों में अपने आप उसने ढाला। अब उदाहरण आ जाता है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला कहां पर बेटा दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज पर्वतमाला की जो वहां की जो परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन लोगों ने उन परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग ढालते हुए जो है उन क्षेत्रों को अपने रहने लायक बनाया। और दूसरा कारण ये था कि वहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ है वो मिलने के कारण जो लोगों की वहां बसावट अधिक हुई। इसी प्रकार आप कनाडा में आ जाएंगे, कनाडा में यूरेनियम मिलने का, तो यूरेनियम है सबसे महंगी धातु मानी जाती है, यूरेनियम मिलने के कारण जो है वहां पर जनसंख्या की बसावट हुई। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में तांबा सोना आदि मिलने के कारण यहाँ पर जनसंख्या की बसावट हमें अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद आप आ जाइए बेटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन काल गुंडे की जो सोने की जो खदाने हैं, सोना वहां मिलने के कारण वहां पर जनसंख्या में अधिक देखने को मिलती है सामान्य जनसंख्या, क्योंकि जहां पर खनिज पदार्थ होंगे वहां पर उद्योग होंगे, और बेटा जहां पर उद्योग होंगे तो लोगों की जनसंख्या अपने आप वहां ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों जो लोग उद्योगों में काम करेंगे, और जहां लोग उद्योगों में काम करेंगे वहां बैंक होंगे, अस्पताल होंगे, सड़कें होंगी, तो अपना आप ही चीजें विकसित होती चली जाती है, जो और जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं अपने आप विकसित होती चली जाती है। तो दो हो गए, पहला सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, और तीसरा बेटा है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश।
तीसरा हमारा जाएगा विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। तो देखिए बेटे, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश इसमें आ जाएगा विश्व के ऐसे भूभाग जहां पर मात्र विश्व की 5% आबादी निवास करती है, यानी विश्व के ऐसे भूभाग जहां पर विश्व की मात्र 5% आबादी निवास करती है। अब प्रश्न ये है कि यहां पर विश्व की 5% आबादी क्यों निवास करती है? इसका कारण यह है कि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो जलवायु है वो मनुष्य के क्या है, प्रतिकूल है, यानी रहने लायक नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बेटा आपको विश्व की प्रमुख जनजातियां ही जो है निवास करने को मिलेंगी, जो आज भी इन परिस्थितियों से अपने आप को ढालते किसी तरह से अपना जीवन सर्वाइव कर रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको जो जनजातियों के लोग ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला जो चौथा आता है वो है अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश, अति न्यून चौथा। अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। तो देखिए बेटा, अति न्यून यानी जहां पर लगभग ना के बराबर, यानी प्रति एक किलोमीटर में यानी ना के बराबर जो व्यक्ति निवास करते हैं, यानी लगभग ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ पर जो मनुष्य का रहना ही संभव नहीं है। ऐसे प्रदेश कौन कौन से हैं? अत्यधिक ठंडे प्रदेश जैसे उत्तरी गोलार्ध में आप आ जाएंगे, कनाडा के जो भाग है, साइबेरिया के जो भाग है, या ठीक है, या अंटार्कटिका वाला जो प्रदेश है, बिल्कुल ठंडे प्रदेश जहां पर तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है, नहीं पाता। इसी प्रकार अत्यधिक गर्म प्रदेश जहां पर तापमान जो वार्षिक जो तापमान 45 डिग्री से हमेशा उच्च बना रहता है, तो ऐसे प्रदेश जैसे अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका हो गया या ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम जो भाग हो गया, अत्यधिक गर्म प्रदेश जहां पर, या दक्षिण अमेरिका के कुछ भूभाग हो गए, ऐसे प्रदेश जो बिल्कुल गर्म क्षेत्र है वहां रहना संभव नहीं है। उसके बाद आता है अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, यानी ऐसे प्रदेश जहां बारिश ज्यादा होती है। तो ऐसे प्रदेश जो भूमध्य रेखा के आसपास जो आपको ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और वहां पर अत्यधिक बारिश होने के कारण जो है वहां पर रहना संभव नहीं है। इसी प्रकार विश्व कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मतलब पहाड़ी क्षेत्र हो गए, पठारी क्षेत्र हो गए, ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र हो गए, कि वहां की जो परिस्थितियां हैं, जो जलवायु है, जो भौतिक जो दशाएं हैं, वो मानव रहने के लिए बिल्कुल जो है अनुकूल नहीं मानी जाती। तो इस कारण वहां पर अति न्यून यानी जनसंख्या वाले प्रदेश को कहा जाता है। तो बेटा हमने आज चार पढ़ाए, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, उसके बाद सघन के बाद सामान्य, उसके बाद अति न्यून, और एक हमारा जो रह गया वो था बेटा जनसंख्या वाले क्षेत्र में। पहला हमारा था सघन, दूसरा सामान्य, तीसरा विरल, और चौथा अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। बाकी का बेटा धन्यवाद।